हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को सिखाने वाला हाउ टू मेक ड्यूअल वीडियो फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स वीडियो, फेसबुक शॉर्ट्स वीडियो। आइए जानते हैं ये ड्यूअल वीडियो कैसे मेकिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन में। वैसे तो आप डिफरेंस अदर एप्लीकेशन में ये ड्यूअल वीडियो सेटिंग कर सकते हैं, लाइक काइन मास्टर, पावर डी एक्टिविटी। फिलहाल मैं आप लोगों को फीएन में ये ड्यूअल वीडियो कैसे मेकिंग कर सकते हैं डिटेल्स के साथ सिखाने वालों फॉर माई वीडियो। फ्रेंड, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, गो टू द मोबाइल डिवाइस, ओपन VN एप्लीकेशंस। तो आपके मोबाइल डिवाइस में ये VN एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वैसे तो आप डिफरेंस अदर एप्लीकेशन में भी ये ड्यूअल वीडियो सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं VN में ये सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, उसके बाद आपका वीडियो क्लिप ऐड करना है। तो पहले आपको ये 9:16 रेशियो वीडियो क्लिप ऐड करना है, ठीक है। ये मोबाइल साइज का वीडियो क्लिप है। जैसे आप अगर शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट करते हैं, जिस तरह से आप मोबाइल में कैमरा करते हैं, वीडियो क्लिप करते हैं, सेम ये 9:16 साइज का रेशियो वीडियो ऐड करना है। 16:9 साइज का भी दिखाने वाला हूँ ये सेटिंग करने के बाद, ठीक है। तो पहले ये सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ। ये 9:16 साइज रेशियो का वीडियो क्लिप है, ऐड किया है, देख सकते हैं 9:16 रेशियो का वीडियो क्लिप है। तो यहाँ से अभी मैं ये अननेसेसरी पार्ट में क्लिक किया है, स्प्लिट किया है, तो ये प्रीवियस अननेसेसरी पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट न्यू वीडियो ऐड करने के लिए प्ले करके देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ये एक वीडियो क्लिप है 9:16 रेशियो क्लिप। तो अभी यहाँ पे ड्यूअल वीडियो ऐड करने के लिए आपको ये ऊपर में क्लिक करना है, ये सिंबल में, प्लस सिंबल में, ठीक है। सिंपली ये बटन में क्लिक करना है, ये वीडियो क्लिप्स ऊपर टॉप साइड में ये प्लस सिंबल है, उसके बाद वीडियो क्लिप ऐड करना है। और आपको वीडियो क्लिप ऐड करना होगा 9:16 रेशियो का सेम साइज, ठीक है। तो ये सेम साइज का और एक वीडियो क्लिप मैंने ऐड किया है, बट यहाँ पे देख सकते प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा यह डिवाइस में बहुत सारा फाइल है, तो इसलिए ये स्लो हो गया। तो आपके सिस्टम में ये डायरेक्ट आ जाएगा, फिर भी अगर इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, इसमें क्लिक करना है, उसके बाद ये बटन में क्लिक करना है, मार्क्स नेक्स्ट लीनियर में क्लिक करने से ये प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो ये लीनियर डिवाइडिंग सिस्टम्स सेटिंग आ जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये फास्ट वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, बट यहाँ पे देख सकते हैं ये कम्प्लीटली प्ले नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्प्लिट करने वाला हूँ, उसके बाद फिर से मैं प्ले करने वाला हूँ, तो ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा स्लो हुआ है मेरा मोबाइल डिवाइस, तो इसलिए ये स्प्लिट करना पड़ा, ठीक है। तो प्ले किया, देख सकते हैं ये दोनों वीडियो क्लिप एक साथ प्ले हुआ है। तो इस तरह से ये रील वीडियो सेटिंग क्लिप तैयार कर सकते हैं। तो ये इतना तक मैंने सेटिंग किया है, अभी नेक्स्ट फिर से सेटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल सेटिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख से तो ये क्लिक किया है न्यूली, जो मैंने वीडियो ऐड इन किया है, तो यहाँ पे देख से सेटिंग नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, तो ये वीडियो क्लिप में क्लिक करना है, पहले क्रॉप करेंगे, क्रॉप करना है, उसके बाद साइज सेटिंग करना है 4.3, क्लिक ओके और अप्लाई बटन, ठीक है। तो ये 4.3 साइज का मैंने इस वीडियो क्लिप सेटिंग किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पार्ट ये आधा पार्ट शो हुआ है। तो आधा पार्ट शो करने के लिए आपको क्या सेटिंग करना होगा, तो अभी क्या करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आधा प्ले हुआ है, आधा क्लिप शो हो रहा है, बट ये जो सेकंड क्लिप है ये कम्प्लीटली प्ले हो रहा है, बट फर्स्ट पार्ट आप इस तरह से आधा पार्ट शो कर सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इसका मार्क सेटिंग किया है। तो इसको भी ये सेम सेटिंग करने वाला हूँ 4.3, क्लिक अप्लाई, ना ये 3.4 है, 4.3 दिया है, ठीक है। तो आप ही क्या करने वाला हूँ, ये जो ओप्पो न्यूली एडेड, तो यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ये सेटिंग देख सकते हैं, नेक्स्ट फिर से जाना होगा मिरर, मार्क्स जाना है, मार्क्स में क्लिक करना है, उसके बाद मिरर क्लिक करना है, देन आपको इस तरह से ड्रैग करना है, ठीक है। ड्रैग करके ये आधा पार्ट को आप सेलेक्टेड कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई करना है, नेक्स्ट नीचे आधा पार्ट में ये इसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देन आप प्ले करके दोनों वीडियो क्लिप को एक साथ रन कर सकते हैं, ये क्लिप है और ये सेकेंड क्लिप है, ठीक है। तो अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करके एक्सपोर्ट बटन में क्लिक करना है, उसके बाद आपके सिस्टम में ये सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने प्ले किया है,
तो देख सकते हो और सुन सकते हो दोनों वीडियो क्लिप एक साथ प्ले हुआ है। तो ये एक ड्यूअल वीडियो है, देख सकते हैं दोनों वीडियो को मैंने एक साथ एडजस्ट करके ये सेटिंग किया है। तो इस तरह से आप ये VN एप्लीकेशन में ये ड्यूअल वीडियो सेटिंग कर सकते हैं। ये एक क्लिप है और नीचे वाला दूसरा क्लिप है, तो एक साथ प्ले करने से ये एक साथ प्ले हो जाता है। तो इस तरह से आप ये ड्यूअल वीडियो मेकिंग कर सकते हैं फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टाग्राम सीरीज वीडियो और फेसबुक शॉर्ट्स वीडियो के लिए। अभी और एक सेटिंग आपको दिखाने वाला हूँ, 16:9 रेशियो का सेटिंग यूट्यूब वीडियो के लिए, लॉन्ग वीडियो के लिए। अगर आप लॉन्ग वीडियो में ड्यूअल वीडियो सेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। लॉन्ग वीडियो में भी आपको ये 9:16 रेशियो क्लिप यहाँ पे ऐड करना होगा। ये 9:16 रेशियो क्लिप है, फिर से मैंने ये सेम वीडियो को यहाँ पे ऐड किया है, बट ये साइज़ कितना है 9:6 है। तो आपको साइज़ में जाना है, ओरिजिनल रेशियो में जाना है, फ्रेम रेशियो सेटेड करना है 16:9। ये वीडियो रेशियो फॉर यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के लिए है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ये लॉन्ग वीडियो 16:9 साइज में आपको ये 9:16 साइज का वीडियो क्लिप ऐड करना है। तो ये भी एक 9:16 साइज का वीडियो रेशियो क्लिप है। तो नेक्स्ट यहाँ से मैं इसको स्प्लिट किया है, अभी प्ले करना रहा हूँ। प्ले किया है, देख सकते हैं प्ले हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वीडियो क्लिप साइज आपको सेटिंग करना है, सेटेड करना है इस लेयर को। उसके बाद इस बटन में क्लिक करके न्यू और एक वीडियो ऐड करने के लिए आपको न्यू वीडियो क्लिप 9:16 रेशियो वीडियो क्लिप को सेट करना है। तो सिलेक्ट किया है, देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ये साइज सेटिंग करना है। तो पहले फिल्टर किया है, सिलेक्ट किया है, देख सकते हैं, क्लिक अप्लाई बटन, नेक्स्ट वीडियो क्लिप सेट किया है। अभी साइज सेटिंग करेंगे 4:5, ये फर्स्ट वीडियो क्लिप है। नेक्स्ट सेकंड वीडियो क्लिप ये है, इसका साइज भी आपको सेटिंग करना है 4:5। तो इस तरह से आपको माउस फिंगर ड्रैग करके आप इसका साइज रिसेस कर सकते हैं, फिंगर को ड्रैग करना है। उसके बाद अगर ये साइज एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आपको जाना होगा साइज रेशियो में, क्रॉप में जाना है, उसके बाद 4:5 सेटिंग करना है। तो ये सेटिंग हो गया है 4:5 सेटिंग। नेक्स्ट ये फर्स्ट क्लिप जो अभी भी ऐड किया है, तो इसका साइज सेटिंग करेंगे, पहले फिल्टर कर लेते हैं। ये फिल्टर सेटिंग है, दिस ऑप्शन में क्लिक किया है, देख सकते हो फिल्टर सेटिंग हो गया है, नेक्स्ट अप्लाई बटन। तो अभी इसका साइज रिसेस करने वाले, इसके साथ एडजस्ट करने वाला हूँ। ये 16:9 रेशियो क्लिप में 2:9:16 साइज़ का रेशियो क्लिप मैंने ऐड किया है। उसके बाद इसका साइज़ मैंने दिया है कितना, इंस्टाग्राम के लिए 4:5 इंस्टाग्राम साइज़। तो देख सकते हो एडजस्ट हो गया है। नेक्स्ट अभी इसे सेटिंग करके यूट्यूब लॉन्ग वीडियो में भी डाल सकते हैं ड्यूअल वीडियो। तो ये है 16:9 यूट्यूब लॉन्ग वीडियो का ड्यूअल वीडियो है, और पहले जो मैंने आप लोगों को सिखा था वो यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो का ड्यूअल वीडियो है, जो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी यूज़ कर सकते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो क्लिप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये है 16:9 रेशियो वीडियो क्लिप फॉर यूट्यूब लॉन्ग वीडियो। तो ये यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के लिए ये ड्यूअल वीडियो यूज़ कर सकते हैं, 16:9 रेशियो का वीडियो, ठीक है। प्ले किया, देख सकते हो दोनों वीडियो एक साथ प्ले हो गया। बट अगर आपके मोबाइल सिस्टम स्लो है तो इस तरह आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। देन आपको क्या करना है, आपके मोबाइल डिवाइस रिफ्रेश करना है, स्कैन करना है, उसके बाद इजीली ये प्ले कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो फ्रेंड ये था ड्यूअल वीडियो मेकिंग सिस्टम जो मैंने आप लोगों को स्टेप के साथ सिखाया। तो फ्रेंड इस वीडियो को देख के अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और इसके बाद यहाँ क्लिक करके ऑल बटन में क्लिक करें ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं।